हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था, वह इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एन एंड जूनियर एन टी आर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिंग फिल्म लाइक दिस मेक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपन्स। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैक ड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूज पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटेस्टिंग एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग टू डू विथ द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड आल अलोरी सीताराम राजा एंड कोमाराम भीमा प्लेड बाई रामचरण एंड जूनियर एन टी आर हैज डन एन अमेजन परफॉर्मेंस दे जस्ट डोलिड इज द वेरी यूजफुल इफेक्ट विदाउट एनी डिब्यू ट्रिपल आर इज ए यूजफुल स्पेक्टकुलर बोथ रामा राजू भीम आर लिव इन देयर करेक्टर राजमौली सर प्लेड ए लिटिल गैम विथ ऑडियंस माइंड सेट विथ टाइटल्स अलोरी सीताराम राजू एंट्री सीन्स इज फिल वेरी रियल्टी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बीजीएम इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण वाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर एन टी आर इंसीडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग बी जी एम यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड ग्रेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड एस एस राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मेक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर एन टी आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट इज स्पेक्टकुलर फ्रॉम एस एस राजमौली सर नो वर्स कैन describe this movie and good emotional role cast it mind set every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple r premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the indian pre impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes
इज द होमोजीनियस बेस्ट मूवी आई हैव वॉचेबल इन 2022। नो वन कैन डिब्यू द डायरेक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ एस एस राजमौली सर वॉज प्राइड ऑफ इंडियन मूवी। रामचरण एक्टिंग वॉज रियली सुपर। ही मैड एवरी कास्ट रामचरण एंड जूनियर एन टी आर बोथ डिलीवरी ट्रैफिक परफॉर्मेंस दे आर रेपुटेशन विल स्टूटेट दैट करैक्टर विथ रामचरण शोइंग इमोशनल नेचुरली इन द करेक्टिनाइजेशन एंड रामा राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरीवन। आई मे बी बेसिड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशनल फिल्म्स प्रिफरिंग अदर कॉमेडी और मोरी बिलीवेबल स्टोरी ऑल दैट इज द वेरी ऑल हैवरी सीन इज द वाव व्हाट ए फैंटास्टिक मूवी स्टैनिंग परफॉर्मेंस बाय फेवरेट जूनियर एन टी आर सर रामचरण सर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम एंड इंसेंटिस क्लासिकल ट्रिपल आर मूवी सेट्स न्यू फिनोमिनल बेंचमार्क फॉर इंडियन सिनेमा इट हैज ओपनिंग द मैजिकल डोर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड ऑफ कोर्स इज स्टूड जेंट इश्यूक्वा ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ट्रिपल आर इज माई फर्स्ट पोस्ट कोविड थिएटर मूवी एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड टू ब्रेक द हंट्स विद ए राजमौली फिल्म्स। दिस वॉज जस्ट मै वॉन्ट आई वॉन्टेड टू सी इज बिग स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ ग्रांडुअर एंड यूजफुल द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज एनर्जी दैट इट कुल्ड ब्लड अप टू द एंटीकेप्शन ऑफ वॉट कुल्ड इट इज लिटरेचरी जस्ट एन ऑन डिफरेंट लेवल। ऑल द क्रेडिट गोइज टू राजमौली गुरु ही इज एक्सट्रनरी डायरेक्टर नो मैटर वॉट ट्रिपल आर हैज टेकन मी ऑन ए रोल कोस्टर राइड लिटरेचर लव इट टू कम करोड़ माई हार्ट वुल्ड ऑल्सो टू थैंक यू फॉर यंग टाइगर जूनियर एन टी आर रामचरण अजय देवगन आई जस्ट डू नॉट हैव एनी वर्ड्स अबाउट मूवी इट इज द फाइन क्राफ्ट मूवी विथ बेस्ट डायलॉग करैक्टर एक्टिंग ऑफ सुपर स्टार रामचरण एंड सुपर स्टार जूनियर एन टी आर स्टील आई कैनोट बिलीव दैट इज द वेरी राजमौली सर थैंक्स बी फॉर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड विथ स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन। वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एन क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पेटोरिज्म फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सींग रामचरण सर एंड जूनियर एन टी आर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एस एस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बींग ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाव वॉट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वॉज वॉचिंग दिस मोस्ट एंटीकप्टेड फिल्म इन थिएटर टूडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करैक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड वॉट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी। राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन हुड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनल फैंटास्टिक अटैम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाय जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड शो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लम द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल
वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होनेस्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट व्यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एनटीआर एंड रामचरण। हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड एंड जूनियर एन टी आर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म्स लाइक दिस मैक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपन्स दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूस पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग to do with the Indians independence and all Allori Sitaram Raja and Komaram Bhima played by Ramcharan and Junior NTR has done an amazing performance they just told is the very useful effect without any debut triple R is a useful spectacular both Rama Raju Bhim are live in their character Rajmouli sir played a little game with audience mindset with titles Allori Sitarama राजू एंट्री सीन्स इज फिल वेरी रियलिटी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बीजीएम इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाय जूनियर एन टी आर एंड रामचरण वाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर एन टी आर इंसीडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग बीजीएम यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस।
गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड गेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ओप द आल थिंक एंड एस एस राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मैक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर एन टी आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट इज स्पेक्टकुलर फ्रॉम एस एस राजमौली सर नो वर्स कैन describe this movie and good emotional role cast it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple R premier love it grand large than life useful treat beautiful reputation the Indian pre-impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022 no one can debut the direction ability of SS Rajmouli sir was pride of Indian movie Ramchand acting was really super he made every cast Ramchand and junior NTR both delivery terrific performance they are reputation will institute that character with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama Raju and NTR Junior showing the power of pure hope this good thing about very intelligent it is one of film and very awesome film I have every seen few days ago but is the hangover the songs as useful effect the storyline the actress everything was perfect SS Rajmouli has showed this magic and 100% recommended everyone I may be biased because don't like experiment emotional films preferring other comedy or more believable story all that is the very all have seen is the wow what a fantastic movie stunning performance by favorite junior NTR sir Ramcharan sir one of the greatest movie of all time and insanity is a classical triple R movie sets new phenomenal benchmark for Indian cinema it has opening the magical door of international market and of course is stood giant issue of Indian film industry triple R is my first post COVID theater movie and I am absolutely glad to break the hunts with a Rajmouli films this was just my want I wanted to see is big screen in terms of grandeur and useful the background music has energy that it could build up to the anticipation of what could it is literary just in on different level all the credit goes to Rajmouli Garu he is extraordinary director no matter what triple R has taken me on a roller coaster ride literature love it to come crore my heart would also to thank you for young tiger junior NTR Ramcharan Ajay Devgan I just do not have any words about movie it is the fine craft movie with best dialogue character acting of superstar Ramcharan and superstar junior NTR still I cannot believe that is the very Rajmouli sir thanks before direction and done remarkable job and over behind it is stunning cinematography a beautiful use of recurring themes of this very generation of story and Rajmouli once again does his magic on screen watching this movie we notice many things and you about film and speak useful and patriotism friendship and this is the best time I seeing Ramcharan sir and junior NTR sir acting and I have every seen one SS Rajmouli film after Bahubali part first I am being in observation and millions of mind to make it possible actor to make that art music to make every emotion worth it cinematography for us to watch the wonder technician to take as throughout some more advanced fantastic and refined possible real triple R movie wow what a great expression it was watching this most anticipated film in theater today one of the first day it sell plot character useful emotional songs and what not one can expression goosebumps to the introduction and triple R movie is fantastic and reality story on freedom cinematography Rajmouli sir very talented person would work going to be number one Indian film director and
एंड स्क्रीन राइट प्रेपेडो ट्रिपल आर द फिकेशनल फैंटेस्टी अटेम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कम्प्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामसन ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटेस्टिक फिल्म एंड शो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लमी द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होन नेक्स्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटेस्टी स्पेशली बोथ हीरोज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट व्यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटेस्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एन टी आर एंड रामचरण हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था, वह इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर एन टी आर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिक फिल्म लाइक दिस मेक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपेंस दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूस पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटेस्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग to do with the Indians independence and all Allori Sitaram Raja and Komaram Bhima played by Ramcharan and Junior NTR has done an amazing performance they just told is the very viewable effect without any debut triple R is a viewable spectacular both Rama Raju Bhim are live in their character Rajmouli sir played a little game with audience mindset with titles Allori Sitarama राजू एंट्री सीन्स इज फील वेरी रियलिटी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बीजीएम इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर एन
NTR and Ramchand. What a useful treat. One must watch this movie in theater. Movie of the year. There are some loose pulls. Other man, this the very great to watch. Junior NTR incident and aggressive acting. BGM useful, emotional and friendship. Screenplay and direction. Ramchand good performance. If you are like and Telugu director, then it was Rajamouli. First, alas, the seems too mad. This movie purely to lie up to the reputation of this very grand true entertainment. That well made movie from the start to the climax and entertainment level keep really high. And that man Rajamouli is something greater than just a super director. Good thing about very performance. Good performance and very intelligent, true and greater than Ramchand. Just acting the is all through Alia, first of the all think and SS Rajamouli sir and everybody to make that type of movie. I have to say that this movie behind expression, both Ramchand and Junior NTR are really performed. Their scenes and enchantment equally highlighted. What a spectacular from SS Rajamouli sir. No words can describe this movie and good emotional roll cast. It mindset every scene, every movie, every action, every sequence, every minor details are taken off. Triple R premiere, love it. Grand, large than life, useful treat, beautiful reputation. The Indian pre-impedance are about two human superheroes. Some scenes are like just wow, never seen before. Feel a simple story, but the storytelling part max is the homogeneous best movie I have watchable in 2022. No one can debut. The direction ability of SS Rajamouli sir was pride of Indian movie. Ramchand acting was really super. He made every cast. Ramchand and Junior NTR both delivery terrific performance. They are reputation will stutter that character, with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama Raju and NTR Junior showing the power of pure hope. This good thing about very intelligent. It is one of film and very awesome film. I have every seen few days ago, but is the hangover, the songs as useful effect, the storyline, the actress, everything was perfect. SS Rajamouli has showed this magic and 100% recommended everyone. I may be biased because don't like experiment emotional films, preferring other comedy or more believable story. All that is the very all have seen is the wow, what a fantastic movie. Stunning performance by favorite Junior NTR sir. Ramchand sir, one of the greatest movie of all time and instant is a classical triple R movie. Sets new phenomenal benchmark for Indian cinema. It has opening the magical door of international market and of course is stood giant issue of Indian film industry. Triple R is my first post COVID theater movie and I am absolutely glad to break the hunts with a Rajamouli films. This was just my want. I wanted to see his big screen in terms of grandeur and useful. The background music has energy that it could build up to the anticipation of what could. It is literary just in on different level. All the credit goes to Rajamouli Guru. He is extraordinary director. No matter what, Triple R has taken me on a roller coaster ride. Literature love it to come corrode my heart. Would also to thank you for young Tiger Junior NTR, Ramchand, Ajay Devgan. I just do not have any words about movie. It is the fine craft movie with best dialogue, character acting of superstar Ramchand and superstar Junior NTR. Still, I cannot believe that is the very Rajamouli sir. Thanks before direction and done remarkable job and over behind it is stunning cinematography. A beautiful use of recurring themes of this very generation of story and Rajamouli once again does his magic on screen. Watching this movie we notice many things and cue about film and speak useful and patriotism friend
फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सीइंग रामचरण सर एंड जूनियर एनटीआर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एसएस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बीइंग इन ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाउ व्हाट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वाज वाचिंग दिस मोस्ट एंटीक्वेटेड फिल्म इन थिएटर टुडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करेक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड व्हाट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन होल्ड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनस फैंटास्टिक अटेम्प्ट बाई एस एस राजमौली विद ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विद माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटेस्टिक फिल्म एंड सो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग ए मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लमी द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होनेस्ट फीडबैक फर्स्ट हाफ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट व्यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एन टी आर एंड रामचरण हाय फ्रेंड तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर एनटीआर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म्स लाइक दिस मेक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपन्स दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैक ड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूस पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग टू डू विथ
विद द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड आल अलोरी सीताराम राजा एंड कोमाराम भीमा प्लेड बाई रामसन एंड जूनियर एन टी आर हैज़ डन एन अमेजिंग परफॉर्मेंस दे जस्ट टोलिड इज द वेरी यूजफुल इफेक्ट विदाउट एनी डिब्यू ट्रिपल आर इज ए यूजफुल स्पेक्टकुलर बोथ रामा राजू भीम आर लिव इन देयर करैक्टर राजमौली सर प्लेड ए लिटिल गैम विथ ऑडियंस माइंड सेट विथ टाइटल्स अलोरी सीता रामा राजू एंट्री सीन्स इज फिल वेरी रियल्टी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बी जी एम इलिवेट द सीन्स टू आल अनोदर डिफरेंट लेवर मैनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचन वाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर एन टी आर इंसीडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग बी जी एम यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचन गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड ग्रेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड एस एस राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मेक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर एन टी आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट इज स्पेक्टकुलर फ्रॉम एस एस राजमौली सर नो वर्स कैन describe this movie and good emotional role cast it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple R premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the Indian pre-impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022 no one can debut the direction ability of SS Rajmouli sir was pride of Indian movie Ramchand acting was really super he made every cast Ramchand and Junior NTR both delivery terrific performance they are reputation will institute that character with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरी वन आई मे बी बेसिड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशन films preferring other comedy or more believable story all that is the very all hybrid scene is the wow what a fantastic movie stunning performance by favorite junior NTR sir Ramcharan sir one of the greatest movie of all time and instant is a classical triple R movie sets new phenomenal benchmark for Indian cinema it has opening the magical door of international market and of course is stood giant sequoia of Indian film industry triple R is my first post covid theater movie and I am absolutely glad to break the hunts with a Rajmouli films this was just my want I wanted to see is big screen in terms of grandeur and useful the background music has energy that it could build up to the anticipation of what could it is literary just an on different
डिपार्टमेंट लेवल ऑल द क्रेडिट गोइज टू राजमौली गुरु ही इज एक्सटर्नरी डायरेक्टर नो मैटर वाट ट्रिपल आर हैज़ टेकन मी ऑन ए रोल कोस्टर राइड लिटरेचर लव इट टू कम कोरोड माई हार्ट वुल्ड आल्सो टू थैंक यू फॉर यंग टाइगर जूनियर एन टी आर रामचरण अजय देवगन आई जस्ट डू नॉट हैव एनी वर्ड्स अबाउट मूवी इट इज़ द फाइन क्राफ्ट मूवी विथ बेस्ट डायलॉग करैक्टर एक्टिंग ऑफ सुपर स्टार रामचरण एंड सुपर स्टार जूनियर एन टी आर स्टील आई कैनोट बिलीव दैट इज द वेरी राजमौली सर थैंक्स बी फॉर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड विथ स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एन क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पैटोरिज्म फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सींग रामचरण सर एंड जूनियर एन टी आर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एस एस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बींग ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाव वाट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वॉज वॉचिंग दिस मोस्ट एंटीक्वेटेड फिल्म इन थिएटर टूडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करैक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड वाट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन हुड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनस फैंटास्टिक अटैम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड सो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग ए मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लमी द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होन नेक्स्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एन टी आर एंड रामचरण हाय फ्रेंड तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी
किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड एंड जूनियर एन टी आर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिंग फिल्म्स लाइक दिस मैक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपन्स दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैक ड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूज पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिंग एंड गुड टे स्टोरी अबाउट द इंडिवल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग टू डू विथ द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड ऑल अलोरी सीताराम राजा एंड कोमाराम भीमा प्लेड बाई रामचरण एंड जूनियर एन टी आर हैज डन एन अमेजन परफॉर्मेंस दे जस्ट डोलिड इज द वेरी यूजफुल इफेक्ट विदाउट एनी डिब्यू ट्रिपल आर इज ए यूजफुल स्पेक्टकुलर बोथ रामा राजू भीम आर लिव इन देयर करेक्टर राजमौली सर प्लेड ए लिटिल गैम विथ ऑडियंस माइंड सेट विथ टाइटल्स अलोरी सीता रामा राजू एंट्री सीन्स इज फिल वेरी रियल्टी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बीजीएम इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण वाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर एन टी आर इंसीडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग बीजीएम यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड ए ट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल कीप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट ए ट्रू एंड ग्रेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड एस एस राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मेक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर एन टी आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट इज स्पेक्टकुलर फ्रॉम एस एस राजमौली सर नो वर्स कैन describe this movie and good emotional role cast it mind set every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple r premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the indian pre-impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022 no one can debut the direction ability of SS Rajmouli sir was pride of Indian movie Ramchand acting was really super he made every cast Ramchand and Junior NTR both delivery terrific performance they are reputation will institute that character with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरी वन आई मे बी बेसिड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशन
इमोशनल फिल्म्स प्रिफरिंग अदर कॉमेडी और मोरी बिलीवेबल स्टोरी ऑल दैट इज द वेरी ऑल हैव सीन इज द वाव व्हाट ए फैंटास्टिक मूवी स्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय फेवरेट जूनियर एनटीआर सर रामचरण सर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम एंड इंसेंट इज ए क्लासिकल ट्रिपल आर मूवी सेट्स न्यू फिनोमिनल बेंचमार्क फॉर इंडियन सिनेमा इट हैज ओपनिंग द मैजिकल डोर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड ऑफ कोर्स इज स्टूड जेंट स्क्वा ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ट्रिपल आर इज माई फर्स्ट पोस्ट कोविड थिएटर मूवी एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड टू ब्रेक द हंट्स विद ए राजमौली फिल्म्स दिस वाज जस्ट मै वांट आई वांटेड टू सी इज बिग स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडियर एंड यूजफुल द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज एनर्जी दैट इट कुड बिल्ड अप टू द एंटीसिपेशन ऑफ व्हाट कुड इट इज लिटरेचरी जस्ट एन ऑन डिफरेंट लेवल ऑल द क्रेडिट गोइज टू राजमौली गुरू ही इज एक्सट्रनरी डायरेक्टर नो मैटर वाट ट्रिपल आर हैज टेकन मी ऑन ए रोल कोस्टर राइड लिटरेचर लव इट टू कम करोड़ माई हार्ट वुड ऑल्सो टू थैंक यू फॉर यंग टाइगर जूनियर एन टी आर रामचरण अजय देवगन आई जस्ट डू नॉट हैव एनी वर्ड्स अबाउट मूवी इट इज द फाइन क्राफ्ट मूवी विथ बेस्ट डायलॉग करैक्टर एक्टिंग ऑफ सुपर स्टार रामचरण एंड सुपर स्टार जूनियर एन टी आर स्टील आई कैनोट बिलीव दैट इज द वेरी राजमौली सर थैंक्स बी फॉर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड विथ स्टनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एन क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पेटोरिज्म फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सींग रामचरण सर एंड जूनियर एन टी आर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एस एस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बींग ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाव वाट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वॉज वॉचिंग दिस मोस्ट एंटीकप्टेड फिल्म इन थिएटर टूडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करैक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड वाट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन हुड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनल फैंटास्टिक अटैम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाय जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड सो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग ए मास्टर पीस दूज वर्ड कुड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लमी द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होन नेक्स्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट व्यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एन टी आर एंड रामचरण
हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से RRR मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस RRR मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस RRR मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस RRR मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर RRR मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो RRR मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर NTR गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म लाइक दिस मैक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ RRR रत्नाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपन्स। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूस पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन। इट इज नथिंग to do with the Indians independence and all allori Sitaram Raja and Komaram Bhima played by Ramcharan and Junior NTR has done an amazing performance. They just told is the very useful effect without any debut. RRR is a useful spectacular. Both Rama Raju Bhim are live in their character. Rajmouli sir played a little game with audience mindset with titles allori Sitarama राजू एंट्री सीन्स इज फील वेरी रियलिटी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए 3 hour इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड BGM इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर NTR एंड रामचरण व्हाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर NTR इंसिडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग BGM यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड ग्रेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड SS राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मेक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर NTR आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट ए स्पेक्टकुलर फ्रॉम SS राजमौली सर नो वर्स कैन Describe this movie and good emotional role cast it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of RRR premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the Indian pre-independence are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes
एक्स इज़ द होमोजीनियस बेस्ट मूवी आई हैव वॉचेबल इन 2022 नो वन कैन डिब्यू द डायरेक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ एस एस राजमौली सर वॉज प्राइड ऑफ इंडियन मूवी राम चरण एक्टिंग वॉज रियली सुपर ही मैड एवरी कास्ट राम चरण एंड जूनियर एन टी आर बोथ डिलीवरी ट्रैफिक परफॉर्मेंस दे आर रेपुटेशन विल स्टूटेट दैट करैक्टर विथ राम चरण शोइंग इमोशनल नेचुरली इन द करैक्टराइजेशन एंड रामा राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज़ द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरीवन आई मे बी बेस्ड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशनल फिल्म्स प्रिफरिंग अदर कॉमेडी और मोरी बिलीवेबल स्टोरी ऑल दैट इज द वेरी ऑल हैवरी सीन इज द वाव व्हाट ए फैंटास्टिक मूवी स्टैनिंग परफॉर्मेंस बाई फेवरेट जूनियर एन टी आर सर राम चरण सर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम एन इंसेंटिस क्लासिकल ट्रिपल आर मूवी सेट्स न्यू फिनोमिनल बेंचमार्क फॉर इंडियन सिनेमा इट हैज ओपनिंग द मैजिकल डोर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड ऑफ कोर्स इज स्टूड जेंट स्क्वा ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ट्रिपल आर इज माई फर्स्ट पोस्ट कोविड थिएटर मूवी एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड टू ब्रेक द हंट्स विद ए राजमौली फिल्म्स दिस वाज जस्ट मै वांट आई वांटेड टू सी इज बिग स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडियर एंड यूजफुल द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज एनर्जी दैट इट कुड बिल्ड अप टू द एंटीकिपेशन ऑफ वाट कुड इट इज लिटरेचरी जस्ट एन ऑन डिफरेंट लेवल ऑल द क्रेडिट गोइज टू राजमौली गुरु ही इज एक्सट्रनरी डायरेक्टर नो मैटर वाट ट्रिपल आर हैज टेकन मी ऑन ए रोल कोस्टर राइड लिटरेचर लव इट टू कम कोरोड माई हार्ट वुड ऑल्सो टू थैंक यू फॉर यंग टाइगर जूनियर एन टी आर राम चरण अजय देवगन आई जस्ट डू नॉट हैव एनी वर्ड्स अबाउट मूवी इट इज़ द फाइन क्राफ्ट मूवी विथ बेस्ट डायलॉग करैक्टर एक्टिंग ऑफ सुपर स्टार राम चरण एंड सुपर स्टार जूनियर एन टी आर स्टील आई कैन नॉट बिलीव दैट इज़ द वेरी राजमौली सर थैंक्स बी फॉर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड विथ स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एन क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पेटोरिज्म फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सींग राम चरण सर एंड जूनियर एन टी आर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एस एस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बींग ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाव व्हाट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वॉज वॉचिंग दिस मोस्ट एंटीकप्टेड फिल्म इन थिएटर टूडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करैक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड वॉट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन हुड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनल फैंटास्टिक अटैम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी राम चरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड राम चरण राम चरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड शो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंड थ्रो द ब्रेक टेकिंग ए मास्टर पीस दूज वर्ड कुड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लम द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल
वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होनेस्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक फाउबली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर NTR एंड रामचरण। हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से RRR मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस RRR मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस RRR मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस RRR मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर RRR मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब बात करते हैं जो RRR मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर NTR गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म लाइक दिस मेक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ RRR रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपेंस दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूस पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग to do with the Indians independence and all Allori Sitaram Raja and Komaram Bhima played by Ramcharan and Junior NTR has done an amazing performance they just told is the very useful effect without any debut RRR is a useful spectacular both Rama Raju Bhim are live in their character Rajmouli sir played a little game with audience mindset with titles Allori Sitaram राजू एंट्री सीन्स इज फील वेरी रियलिटी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए 3 hour इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड BGM इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर NTR एंड रामचरण व्हाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर NTR इंसिडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग BGM यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस।
गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड गेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड एस एस राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मैक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर एन टी आर आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट ए स्पेक्टकुलर फ्रॉम एस एस राजमौली सर नो वर्स कैन Describe this movie and good emotional role cast it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple R premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the Indian pre-impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022 no one can debut the direction ability of SS Rajmouli sir was pride of Indian movie Ramchand acting was really super he made every cast Ramchand and junior NTR both delivery terrific performance they are reputation will stutter that character with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरी वन आई मे बी बेस्ड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशन films preferring other comedy or more believable story all that is the very all every scene is the wow what a fantastic movie stunning performance by favorite junior NTR sir Ramcharan sir one of the greatest movie of all time and instant is a classical triple R movie sets new phenomenal benchmark for Indian cinema it has opening the magical door of international market and of course is stood giant sequoia of Indian film industry triple R is my first post covid theater movie and I am absolutely glad to break the hunts with a Rajmouli films this was just my want I wanted to see is big screen in terms of grandeur and useful the background music has energy that it could build up to the anticipation of what could it is literature just in on different level all the credit goes to Rajmouli Garu he is extraordinary director no matter what triple R has taken me on a roller coaster ride literature love it to come crore my heart would also to thank you for young tiger junior NTR Ramcharan Ajay Devgan I just do not have any words about movie it is the fine craft movie with best dialogue character acting of superstar Ramcharan and super स्टार जूनियर एन टी आर स्टील आई कैनोट बिलीव दैट इज द वेरी राजमौली सर थैंक्स बिफोर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एन क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पैटोरिज्म फ्रेंडशिप and this is the best time I seeing Ramcharan sir and junior NTR sir acting and I have every seen one SS Rajmouli film after Bahubali part first I am being in observation and millions of mind to make it possible actor to make that art music to make every emotion worth it cinematography for us to watch the wonder technician to take as throughout some more advanced fantastic and refined possible real triple R movie wow what a great expression it was watching this most anticipated film in theater today one of the first day itself plot character useful emotional songs and what not one can expression goosebumps to the introduction and triple R movie is fantastic and reality story on freedom cinematography Rajmouli sir very talented person would work going to be number one Indian film director and
स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनस फैंटेस्टी अटैम्प्ट बाई एस एस राजमौली विद ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामसन ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विद माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटेस्टिक फिल्म एंड शो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंड थ्रो द ब्रेक टेकिंग ए मास्टर पीस दूज वर्ड कुड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लमी द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होनेस्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटेस्टी स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट व्यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटेस्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एन टी आर एंड रामचरण हाय फ्रेंड तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर एन टी आर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिक फिल्म लाइक दिस मेक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपेंस दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूज पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटेस्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग to do with the Indians independence and all Allori Sita Ram Raja and Komaram Bhima played by Ramchand and Junior NTR has done an amazing performance they just told is the very useful effect without any debut triple R is a useful spectacular both Rama Raju Bhim are live in their character Rajmouli sir played a little game with audience mindset with titles Allori Sita Rama राजू एंट्री सीन्स इज फिल वेरी रियलिटी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बीजीएम इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर एन
NTR and Ramchand. What a useful treat. One must watch this movie in theater. Movie of the year. There are some loose pulls. Other man, this the very great to watch. Junior NTR incident and aggressive acting. BGM useful, emotional and friendship. Screenplay and direction. Ramchand good performance. If you are like and Telugu director, then it was Rajamouli. First, alas, the seems too mad. This movie purely to live up to the reputation of this very grand true entertainment. That well mad movie from the start to the climax and entertainment level keep really high. And that man Rajamouli is something greater than just a super director. Good thing about very performance. Good performance and very intelligent, a true and greater than Ramchand. Just acting the ease all through Alia, first of the all think and SS Rajamouli sir and everybody to make that type of movie. I have to say that this movie behind expression, both Ramchand and Junior NTR are really performed. Their scenes and enchantment equally highlighted. What a spectacular from SS Rajamouli sir. No words can describe this movie and good emotional role cast. It mindset every scene, every movie, every action, every sequence, every minor details are taken off. RRR premiere, love it. Grand, large than life, useful treat, beautiful reputation. The Indian pre-impedance are about two human superheroes. Some scenes are like just wow, never seen before. Feel a simple story, but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022. No one can debut. The direction ability of SS Rajamouli sir was pride of Indian movie. Ramchand acting was really super. He made every cast. Ramchand and Junior NTR both delivery terrific performance. They are reputation will stutate that character, with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama Raju and NTR Junior showing the power of pure hope. This good thing about very intelligent. It is one of film and very awesome film. I have every seen few days ago, but is the hangover, the songs as useful effect, the storyline, the actress, everything was perfect. SS Rajamouli has showed this magic and 100% recommended everyone. I may be biased because don't like experiment emotional films, preferring other comedy or more believable story. All that is the very all have seen is the wow, what a fantastic movie. Stunning performance by favorite Junior NTR sir. Ramchand sir, one of the greatest movie of all time and instant is a classical RRR movie. Sets new phenomenal benchmark for Indian cinema. It has opening the magical door of international market and of course is stood giant sequoia of Indian film industry. RRR is my first post-COVID theater movie and I am absolutely glad to break the hunts with a Rajamouli films. This was just my want. I wanted to see his big screen in terms of grandeur and useful. The background music has energy that it could build up to the anticipation of what could. It is literary just in on different level. All the credit goes to Rajamouli Garu. He is extraordinary director. No matter what, RRR has taken me on a roller coaster ride. Literature love it to come corrode my heart. Would also to thank you for young tiger Junior NTR, Ramchand, Ajay Devgan. I just do not have any words about movie. It is the fine craft movie with best dialogue, character acting of superstar Ramchand and superstar Junior NTR. Still, I cannot believe that is the very Rajamouli sir. Thanks before direction and done remark available job and over behind it is stunning cinematography, a beautiful use of recurring themes of this very generation of story. And Rajamouli once again does his magic on screen. Watching this movie we notice many things and cue about film and we speak useful and patriotism friend.
फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सीइंग रामचरण सर एंड जूनियर एनटीआर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एसएस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बीइंग इन ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाउ व्हाट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वाज वाचिंग दिस मोस्ट एंटीक्वेटेड फिल्म इन थिएटर टुडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करेक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड व्हाट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन होल्ड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनस फैंटास्टिक अटेम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड शो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंड थ्रो द ब्रेक टेकिंग ए मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लमी द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होनेस्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एन टी आर एंड रामचरण हाय फ्रेंड तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर एन टी आर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म्स लाइक दिस मैक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपन्स दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूस पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग टू डू विथ
विद द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड ऑल अलोरी सीताराम राजा एंड कोमाराम भीमा प्लेड बाई रामसन एंड जूनियर एन टी आर हैज़ डन एन अमेजन परफॉर्मेंस दे जस्ट डोलिड इज द वेरी यूजफुल इफेक्ट विदाउट एनी डिब्यू ट्रिपल आर इज ए यूजफुल स्पेक्टकुलर बोथ रामा राजू भीम आर लिव इन देयर करेक्टर राजमौली सर प्लेड ए लिटिल गैम विथ ऑडियंस माइंड सेट विथ टाइटल्स अलोरी सीता रामा राजू एंट्री सीन्स इज फिल वेरी रियल्टी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बी जी एम इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवर मैनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचन वाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर एन टी आर इंसीडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग बी जी एम यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचन गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड ए ट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल कीप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रिव एंड गेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड एस एस राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मैक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर एन टी आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट इज स्पेक्टकुलर फ्रॉम एस एस राजमौली सर नो वर्स कैन describe this movie and good emotional roll caster it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple r premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the indian pre-impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022 no one can debut the direction ability of SS Rajmouli sir was pride of Indian movie Ramchand acting was really super he made every cast Ramchand and junior NTR both delivery terrific performance they are reputation will institute that character with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Ram राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरी वन आई मे बी बेसिड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशन films preferring other comedy or more believable story all that is the very all hybrid scene is the wow what a fantastic movie stunning performance by favorite junior NTR sir Ramcharan sir one of the greatest movie of all time and instant is a classical triple R movie sets new phenomenal benchmark for Indian cinema it has opening the magical door of international market and of course is stood giant issue of Indian film industry triple R is my first post covid theater movie and I am absolutely glad to break the hunts with a Rajmouli films this was just my want I wanted to see is big screen in terms of grandeur and useful the background music has energy that it could build up to the anticipation of what could it is literary just an on different
डायरेक्ट लेवल ऑल द क्रेडिट गोइज टू राजमौली गुरु ही इज एक्सटर्नरी डायरेक्टर नो मैटर वाट ट्रिपल आर हैज़ टेकन मी ऑन ए रोल कोस्टर राइड लिटरेचर लव इट टू कम कोरोड माई हार्ट वुल्ड आल्सो टू थैंक यू फॉर यंग टाइगर जूनियर एन टी आर रामचरण अजय देवगन आई जस्ट डू नॉट हैव एनी वर्ड्स अबाउट मूवी इट इज़ द फाइन क्राफ्ट मूवी विथ बेस्ट डायलॉग करैक्टर एक्टिंग ऑफ सुपर स्टार रामचरण एंड सुपर स्टार जूनियर एन टी आर स्टील आई कैनोट बिलीव दैट इज द वेरी राजमौली सर थैंक्स बी फॉर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड विथ स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एन क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पेटोरिज्म फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सींग रामचरण सर एंड जूनियर एन टी आर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एस एस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बींग ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाव वाट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वॉज वॉचिंग दिस मोस्ट एंटीक्वेटेड फिल्म इन थिएटर टूडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करैक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड वाट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गूस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन हुड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनस फैंटास्टिक अटैम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड सो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लमी द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होन नेक्स्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एन टी आर एंड रामचरण हाय फ्रेंड तो कैसे हो आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी
इसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर NTR गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म्स लाइक दिस मेक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपेंस दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूज पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग टू डू विथ द इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड ऑल अलोरी सीताराम राजा एंड कोमाराम भीमा प्लेड बाई रामचरण एंड जूनियर NTR हैज डन एन अमेजन परफॉर्मेंस दे जस्ट डोलिड इज द वेरी यूजफुल इफेक्ट विदाउट एनी डिब्यू ट्रिपल आर इज ए यूजफुल स्पेक्टकुलर बोथ रामा राजू भीम आर लिव इन देयर करेक्टर राजमौली सर प्लेड ए लिटिल गैम विथ ऑडियंस माइंड सेट विथ टाइटल्स अलोरी सीता रामा राजू एंट्री सीन्स इज फील वेरी रियल्टी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए 3 hour इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड BGM इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर NTR एंड रामचरण वाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर NTR इंसिडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग BGM यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड ग्रेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड SS राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मेक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर NTR आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट ए स्पेक्टकुलर फ्रॉम SS राजमौली सर नो वर्स कैन Describe this movie and good emotional role cast it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple R premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the Indian pre-impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022 no one can debut the direction ability of SS Rajmouli sir was pride of Indian movie Ramchand acting was really super he made every cast Ramchand and Junior NTR both delivery terrific performance they are reputation will stood at that character with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama राजू एंड NTR जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट SS राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरी वन आई मे बी बेस्ड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशन
इमोशनल फिल्म्स, प्रिफरिंग अदर कॉमेडी और मोरी बिलीवेबल स्टोरी। ऑल दैट इज द वेरी ऑल हैव सीन इज द वाव, व्हाट ए फैंटास्टिक मूवी, स्टैनिंग परफॉर्मेंस बाई फेवरेट जूनियर NTR सर राम चरण सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम एंड इंसेंटिस क्लासिकल RRR मूवी सेट्स न्यू फिनोमिनल बेंचमार्क फॉर इंडियन सिनेमा। इट हैज ओपनिंग द मैजिकल डोर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड ऑफ कोर्स इज स्टूड जेंट इसक्वा ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। RRR इज माई फर्स्ट पोस्ट कोविड थिएटर मूवी एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड टू ब्रेक द हंट्स विद ए राजमौली फिल्म्स। दिस वाज जस्ट मै वांट आई वांटेड टू सी इज बिग स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडियर एंड यूजफुल। द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज एनर्जी दैट इट कुड बिल्ड अप टू द एंटिकेप्शन ऑफ व्हाट कुड। इट इज लिटरेचरी जस्ट एन ऑन डिफरेंट लेवल। ऑल द क्रेडिट गोइज टू राजमौली गुरु, ही इज एक्सट्रनरी डायरेक्टर। नो मैटर व्हाट RRR हैज टेकन मी ऑन ए रोल कोस्टर राइड, लिटरेचर लव इट टू कम करोड़ माई हार्ट। वुड ऑल्सो टू थैंक यू फॉर यंग टाइगर जूनियर NTR रामचरण अजय देवगन। आई जस्ट डू नॉट हैव एनी वर्ड्स अबाउट मूवी। इट इज द फाइन क्राफ्ट मूवी विथ बेस्ट डायलॉग करेक्टर एक्टिंग ऑफ सुपर स्टार रामचरण एंड सुपर स्टार जूनियर NTR स्टील। आई कैनोट बिलीव दैट इज द वेरी राजमौली सर। थैंक्स बी फॉर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड विथ स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन। वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एंड क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पेटोरिज्म फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सींग रामचरण सर एंड जूनियर NTR सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन SS राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट। आई एम बींग ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल, एक्टर टू मैक दैट आर्ट, म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट, सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर, टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल RRR मूवी। वाव व्हाट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वॉज वॉचिंग दिस मोस्ट एंटीकप्टेड फिल्म इन थिएटर टूडे। वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करेक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड वॉट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड RRR मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी। राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन हुड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो RRR द फिकेशनल फैंटास्टिक अटेम्प्ट बाई SS राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस एटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन। RRR इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर NTR एंड रामचरण। रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड SS राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड सो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेरेटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग ए मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया। आई हैव जस्ट सीन RRR इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रोबली द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होन नेक्स्ट फीडबैक फर्स्ट हाल्फ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग SS राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट यूजफुल द पैन इंडिया मूवी RRR एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर NTR एंड रामचरण।
हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से RRR मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस RRR मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस RRR मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस RRR मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था वह इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर RRR मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो RRR मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एन एंड जूनियर NTR गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म लाइक दिस मैक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ RRR रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपन्स। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूज पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग to do with the Indians independence and all Allori Sitaram Raja and Komaram Bhima played by Ramcharan and Junior NTR has done an amazing performance they just told is the very useful effect without any debut RRR is a useful spectacular both Rama Raju Bhim are live in their character Rajmouli sir played a little game with audience mindset with titles Allori Sitarama राजू एंट्री सीन्स इज फिल वेरी रियलिटी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए 3 hour इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड BGM इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर NTR एंड रामचरण व्हाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर NTR इंसिडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग BGM यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर दैन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड ग्रेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड SS राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मेक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर NTR आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट इज स्पेक्टकुलर फ्रॉम SS राजमौली सर नो वर्स कैन describe this movie and good emotional role cast it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of RRR premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the Indian pre-independence are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes
एक्स इज़ द होमोजीनियस बेस्ट मूवी आई हैव वॉचेबल इन 2022 नो वन कैन डिब्यू द डायरेक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ एस एस राजमौली सर वॉज प्राइड ऑफ इंडियन मूवी रामचरण एक्टिंग वॉज रियली सुपर ही मैड एवरी कास्ट रामचरण एंड जूनियर एन टी आर बोथ डिलीवरी ट्रैफिक परफॉर्मेंस दे आर रेपुटेशन विल स्टूटेट दैट करैक्टर विथ रामचरण शोइंग इमोशनल नेचुरली इन द करैक्टराइजेशन एंड रामा राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरीवन आई मे बी बेसिड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशनल फिल्म्स प्रिफरिंग अदर कॉमेडी और मोरी बिलीवेबल स्टोरी ऑल दैट इज द वेरी ऑल हैवरी सीन इज द वाव व्हाट ए फैंटास्टिक मूवी स्टैनिंग परफॉर्मेंस बाई फेवरेट जूनियर एन टी आर सर रामचरण सर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम एन इंसेंट सी क्लासिकल ट्रिपल आर मूवी सेट्स न्यू फिनोमिनल बेंचमार्क फॉर इंडियन सिनेमा इट हैज ओपनिंग द मैजिकल डोर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड ऑफ कोर्स इज स्टूड जेंट स्क्वा ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ट्रिपल आर इज माई फर्स्ट पोस्ट कोविड थिएटर मूवी एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड टू ब्रेक द हंट्स विद ए राजमौली फिल्म्स दिस वॉज जस्ट मै वॉन्ट आई वॉन्टेड टू सी इज बिग स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ ग्रांडुअर एंड यूजफुल द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज एनर्जी दैट इट कुल्ड ब्लिड अप टू द एंटीकेप्शन ऑफ वॉट कुल्ड इट इज लिटरेचरी जस्ट एन ऑन डिफरेंट लेवल ऑल द क्रेडिट गोइज टू राजमौली गुरु ही इज एक्सट्रनरी डायरेक्टर नो मैटर वॉट ट्रिपल आर हैज टेकन मी ऑन ए रोल कोस्ट राइड लिटरेचर लव इट टू कम करोड माई हार्ट वुल्ड ऑल्सो टू थैंक यू फॉर यंग टाइगर जूनियर एन टी आर रामचरण अजय देवगन आई जस्ट डू नॉट हैव एनी वर्ड्स अबाउट मूवी इट इज़ द फाइन क्राफ्ट मूवी विथ बेस्ट डायलॉग करैक्टर एक्टिंग ऑफ सुपर स्टार रामचरण एंड सुपर स्टार जूनियर एन टी आर स्टील आई कैनोट बिलीव दैट इज द वेरी राजमौली सर थैंक्स बी फॉर डायरेक्शन एंड डन रीमार्क अवेलेबल जॉब एंड ओवर बी हैंड विथ स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ रिकरिंग थीम्स ऑफ दिस वेरी जनरेशन ऑफ स्टोरी एंड राजमौली वंस अगेन डज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन वॉचिंग दिस मूवी वी नोटिस मैनी थिंग्स एन क्यू अबाउट फिल्म एंड स्पीक यूजफुल एंड पेटोरिज्म फ्रेंडशिप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई सींग रामचरण सर एंड जूनियर एन टी आर सर एक्टिंग एंड आई हैव एवरी सीन वन एस एस राजमौली फिल्म आफ्टर बाहुबली पार्ट फर्स्ट आई एम बींग ऑब्जर्वेशन एंड मिलियंस ऑफ माइंड टू मैक इट पॉसिबल एक्टर टू मैक दैट आर्ट म्यूजिक टू मैक एवरी इमोशन वर्थ इट सिनेमाटोग्राफी फॉर एस टू वॉच द वंडर टेक्नीशियन टू टैक एज थ्रू आउट सम मोरी एडवांस फैंटास्टिक एंड रिफाइंड पॉसिबल रियल ट्रिपल आर मूवी वाव वॉट ए ग्रेट एक्सप्रेशन इट वॉज वॉचिंग दिस मोस्ट एंटीकेप्टेड फिल्म इन थिएटर टूडे वन ऑफ द फर्स्ट डे इट सेल प्लॉट करैक्टर यूजफुल इमोशनल सॉन्ग्स एंड वॉट नॉट वन कैन एक्सप्रेशन गोस बम्स टू द इंट्रोडक्शन एंड ट्रिपल आर मूवी इज फैंटास्टिक एंड रियलिटी स्टोरी ऑन फ्रीडम सिनेमाटोग्राफी राजमौली सर वेरी टैलेंटेड पर्सन हुड वर्क गोइंग टू बी नंबर वन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइट प्रेडो ट्रिपल आर द फिकेशनल फैंटास्टिक अटैम्प्ट बाई एस एस राजमौली विथ ए कंप्लीटेड मल्टी स्टार कास्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेप्शन द स्पेशल पैकेज ऑफ दिस मूवी रामचरण ही कैन नॉट सबमिट इज द डिसीजन ट्रिपल आर इज एन इपिक एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन विथ माइंड ब्लोइंग एक्शन पैट्रियोटिक स्टोरी एंड पावरफुल परफॉर्मेंस बाई जूनियर एन टी आर एंड रामचरण रामचरण नेल्स इज द वेरी सुपर पावर पैकेड एस एस राजमौली ब्रह्मांड एंड गुड इज द वेरी इट इज फैंटास्टिक फिल्म एंड सो दिस मार्क अगेन थ्रू आउट वेरी आर सम नेगेटिव पॉइंट्स दे आर वेरी लेस कंपेटिटिव एंट्रो द ब्रेक टेकिंग मास्टर पीस दूज वर्ड कुल्ड हैव बीन डिस्क्रिप्शन द एंड विल क्राफ्ट पीस ऑफ मीडिया आई हैव जस्ट सीन ट्रिपल आर इज द पीक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रॉब्लम द ग्रेटेस्ट मूवी एंड विल
वेरी सिनेमाटोग्राफी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग एंड द माई होनेस्ट फीडबैक फर्स्ट हाफ इज फैंटास्टिक स्पेशली बोथ हीरोइज इंट्रोडक्शन एक्शन सीन्स स्पेशली रामचरण इंट्रो सीन्स दमन एंड गुड विथ वेरी जका एंड एक्सपेरिमेंट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस अनोदर लेवल बिकॉज ऑफ वाट ओवर एंड गुड वर्थ वॉचिंग स्ट्रॉन्ग रिकमांडेड अंडरलाइन पंपिंग एस एस राजमौली क्रिटिनाइजेशन डन फैबुलस परफॉर्मेंस इज द वेरी रेटिंग 10/10 दिस राजमौली मेगम ऑप्स आफ्टर द स्पीक पावली इज द एब्सोल्युटली ट्रीट ऑफ दिस वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ओल्ड राइट ट्रस्ट मी एंड गुड अंडररेटेड अल्टीमेट व्यूजफुल द पैन इंडिया मूवी ट्रिपल आर एज वेरी फैंटास्टिक गुड परफॉर्मेंस जूनियर एनटीआर एंड रामचरण। हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रिपल आर मूवी के ऑडियंस रिव्यू को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि इस ट्रिपल आर मूवी का कितना बजट था और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया और इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस ट्रिपल आर मूवी को लेकर ऑडियंस रिव्यू को जानने का इंतजार था, वह इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्रिपल आर मूवी के रिव्यू। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दूसरी मूवी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं जो ट्रिपल आर मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। फाइनली द मोस्ट आर गुड थिंक अबाउट रामचरण एंड जूनियर एनटीआर गुड परफॉर्मेंस एंड द बिकम हाई रैंकिंग पुलिस कॉप इन द ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स इन ऑर्डर फादर ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक फिल्म लाइक दिस मेक यू फील प्राउड ऑफ इंडियन एरिस्ट राजमौली हैज क्रिएटेड यट अनोदर ऑफ ट्रिपल आर रतनाम रतनाम राउंड राम इज द वेरी गुड दे कंसेप्ट विथ ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट व्हेन इट हैपेंस दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन पुअर फ्रेंडशिप विथ बैकड्रॉप ऑफ दिस वेरी लूस पॉइंट टू द स्टोरी लाइन एंड सम बोरिंग मूमेंट एंड दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड स्टोरी अबाउट द इंडिविजुअल द एंड देयर रेस्पेक्ट मिशन इट इज नथिंग to do with the Indians independence and all Allori Sitaram Raja and Komaram Bhima played by Ramcharan and Junior NTR has done an amazing performance they just told is the very useful effect without any debut triple R is a useful spectacular both Rama Raju Bhim are live in their character Rajmouli sir played a little game with audience mindset with titles Allori Sitarama राजू एंट्री सीन्स इज फील वेरी रियलिटी कोमाराम भीम एंट्री इज द वेरी सीन्स कन्वेंट टू लाइन स्टोरी इन टू ए थ्री हावर इमोशनल रोल कॉस्टर इज रोल पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन ड्यू विजेंद्र प्रसाद एंड राजमौली स्पेक्टकुलर सीन्स आर इज सुपर रिलेटिव एक्टिंग विथ मैचिंग एंड बीजीएम इलिवेट द सीन्स टू ऑल अनोदर डिफरेंट लेवल मेनी सीन्स ऑफ दिस एक्सीलेंट एक्टिंग बाई जूनियर एनटीआर एंड रामचरण व्हाट ए यूजफुल ट्रीट वन मोस्ट वॉच दिस मूवी इन थिएटर मूवी ऑफ द ईयर देयर आर सम लूज पुल्स अदर मैन दिस द वेरी ग्रेट टू वॉच जूनियर एनटीआर इंसिडेंट एंड एग्रेसिव एक्टिंग बीजीएम यूजफुल इमोशनल एंड फ्रेंडशिप स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन रामचरण गुड परफॉर्मेंस इफ यू आर लाइक एंड तेलुगु डायरेक्टर देन इट वॉज राजमौली फर्स्ट अलास द सीम्स टू मैड दिस मूवी प्योरली टू लाइव अप टू द रिपोटेशन ऑफ दिस वेरी ग्रांड एट्रू एंटरटेनमेंट दैट वेल मैड मूवी फ्रॉम द स्टार्ट टू द क्लिमिक्स एंड एंटरटेनमेंट लेवल किप रियली हाई एंड दैट मैन राजमौली इज समथिंग ग्रेटर दैन जस्ट ए सुपर डायरेक्टर गुड थिंक अबाउट वेरी परफॉर्मेंस।
गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट एट्रू एंड गेटर दैन रामचरण जस्ट एक्टिंग द इज आल थ्रू आलिया फर्स्ट ऑफ द आल थिंक एंड एस एस राजमौली सर एंड एवरीबॉडी टू मैक दैट टाइप ऑफ मूवी आई हैव टू से दैट दिस मूवी बिहाइंड एक्सप्रेशन बोथ रामचरण एंड जूनियर एन टी आर आर वेली परफॉर्मेड देयर सीन्स एंड इंचेंटमेंट इक्वली हाईलाइटेड वाट ए स्पेक्टकुलर फ्रॉम एस एस राजमौली सर नो वर्स कैन Describe this movie and good emotional role cast it mindset every scene every movie every action every sequence every minor details are taken of triple R premiere love it grand large than life useful treat beautiful reputation the Indian pre-impedance are about two human superheroes some scenes are like just wow never seen before feel a simple story but the storytelling part makes is the homogeneous best movie I have watchable in 2022 no one can debut the direction ability of SS Rajmouli sir was pride of Indian movie Ramchand acting was really super he made every cast Ramchand and Junior NTR both delivery terrific performance they are reputation will stutter that character with Ramchand showing emotional naturally in the characterization and Rama राजू एंड एन टी आर जूनियर शोइंग द पावर ऑफ प्योर ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट इट इज़ वन ऑफ फिल्म एंड वेरी अवेसम फिल्म आई हैव एवरी सीन फ्यू डेज एगो बट इज द हैंग ओवर द सॉन्ग्स एज यूजफुल इफेक्ट द स्टोरी लाइन द एक्ट्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एस एस राजमौली हैज शो दिस मैजिक एंड 100% रिकमांडेड एवरी वन आई मे बी बेस्ड बिकॉज डोंट लाइक एक्सपेरिमेंट इमोशन films preferring other comedy or more believable story all that is the very all every scene is the wow what a fantastic movie stunning performance by favorite junior NTR sir Ramcharan sir one of the greatest movie of all time and instant is a classical triple R movie sets new phenomenal benchmark for Indian cinema it has opening the magical door of international market and